अब की बार 400 पार नहीं, एक्चुअली 850 पार, नहीं नहीं 1100 सीटें भी हो सकती हैं, लेकिन ये मोदी जी की वजह से नहीं होगा, ये होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से। लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है। आई हैवंट बीन एबल टू फ्रिकिंग वोट। जबरदस्ती कमल के बटन दबवाए जा रहे हैं, जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के डरवा दी। कोई ना कोई बहाना दे के वोटर्स को बिना वोट के ही वापस भेजा जा रहा है। बोले आपकी डाल चुका है कोई, वोट डल चुके। जब लोग वोट ही नहीं कर पा रहे हैं तो हर फेज के बाद वोटर टर्नआउट की काउंटिंग अचानक से बढ़ कैसे जाती है पॉपो? और इस मुद्दे पे जो प्रोटेस्ट हो रही है उसको कोदी मीडिया का कोई चैनल कवर क्यों नहीं कर रहा है पॉपो? पहली बात तो वोटर टर्नआउट आपको 48 घंटे के बाद नंबर्स में देना होता है, परसेंटेजेस में नहीं। 2019 में याद होगा जब तुम लोग अंधे और बहरे नहीं थे, तब तुम लोगों ने दिया था ये। एक तो नंबर्स की बजाय परसेंटेजेस में दे रहे हैं, वो भी अपनी ही मर्जी से। ये एक इलेक्शन चल रही है कि एमसीक्यू एग्जाम चल रहा है यहाँ पे। फेज वन का वोटर टर्नआउट जो 19 तारीख को 60% था, वो 26 तारीख को 60.96% कैसे हो गया? सिर्फ 0.96% ही तो बढ़ा है। हमारे देश की वोटर पॉपुलेशन लगभग 100 करोड़ की है, 1% का मतलब 1 करोड़ लोग। तो ये जो छोटे छोटे परसेंटेजेस की धांधली है ना, ये भी लाखों वोटों का चेंज ला सकती है। वोटर्स का एग्जैक्ट डेटा लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2019 में ईवीएम पे डले वोट वोटर टर्नआउट से ज्यादा निकले थे गाइस। तो इलेक्शन कमीशन, तुम जागने का सोच रहे हो या तुमको गोदी मीडिया के साथ पॉप हो गए पपीज में काउंट कर ले हम?